हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ सुंदर सर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बात बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ पोजेसिव केस अगर हम लगाते हैं या प्रोनाउन का जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन किस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब पे डिपेंड करते हैं, यही बात आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। तो स्टूडेंट, अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि आज के रूल्स वगैरह की कौन कौन से हमारे पास ऐसे रूल्स या क्या विशेषताएं हैं इनमें, तो आप इसमें देख सकते हैं। पहला जो होता है कि जब टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद, कि जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है किससे, एज वेल एज विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड एंड नॉट बट इन एडिशन टू, बिसाइड, एक्सेप्ट, रादर देन, लाइक, अनलाइक, अगर ये कंजक्शंस के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, पजेसिव केस विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना आपने कि प्रोनाउन का जो पजेसिव केस जो प्रयोग किया जाएगा, पजेसिव केस जो प्रोनाउन का होगा वो क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। ये दो सब्जेक्ट से जोड़ा हमने तो जो पहला सब्जेक्ट होगा तो जो पजेसिव केस आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जांपल देखिए आप, देखिए अनुज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इसमें दो सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स और अनुज, और हमने कंजक्शन लगा दिया एज वेल एज। तो यहां बात यह थी कि जो इनके लिए हमने पजेसिव प्रोनाउन लगाना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, अनुज, इसी के अनुसार आएगा। एग्जांपल देखिए, अनुज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज रीच्ड देयर, तो यहां पर क्या हैज रीच्ड देयर, यहां हमने प्रयोग जो है वैसे यहां पर एक वर्ब्स के रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए इसका, माई फादर अलोंग विद हिज ब्रदर लगा लीजिए, चलो ये पूरा हो जाएगा हिज ब्रदर, तो यहां पर दो सब्जेक्ट है हिज ब्रदर और माई फादर, क्या है इसमें, इज डूइंग। अब ये देखिए यहां जो पजेसिव है, यहां जो पजेसिव केस है हिज, अब ये किसके साथ लगाया गया है, ये माई फादर, पहला जो सब्जेक्ट हमारा माई फादर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो उसका पजेसिव ही या शी का पजेसिव हिज या हर होता है, तो यहां पर हमने ये इस प्रकार से यूज करना है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि दो सब्जेक्ट को अगर आप इन कंजक्शंस के जरिए जोड़ते हैं तो जो प्रोनाउन का पजेसिव केस यूज किया जाता है वो पजेसिव केस हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। दूसरा रूल्स क्या कहता है, देखिए टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंट, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है किससे जोड़ा जाता है, देखिए आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, अगर इन कॉग्निटिव कंजक्शन से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो रूल क्या कहता है, पजेसिव केस विल बी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब इसमें भी दो सब्जेक्ट होते हैं तो यहां इसने कहा कि जो पजेसिव केस आएगा वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो नजदीक है आपके, उसी के अकॉर्डिंग आपने पजेसिव केस लगाना है। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, Neither the teacher, एक तो सब्जेक्ट इसमें ये है द टीचर, नॉर द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, रूल क्या कहता है कि पजेसिव केस वर डूइंग देयर, अब पजेसिव केस हमारे पास है देयर, अब हमने ये देखना था कि यहां जो पजेसिव केस आया वो रूल क्या कहता है, नियरेस्ट टू द, तो नियरेस्ट इसके क्या है, इसके सबसे नजदीक क्या है, द स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास द स्टूडेंट्स का पजेसिव बन जाए, द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, दे का पजेसिव देयर होता है, तो यहां जो पजेसिव केस आया वो किसका है, इसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, यही रूल नंबर टू कहता है जो मैंने आपको इसमें बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। ये थर्ड रूल क्या कहता है, देखिए थर्ड रूल कहता है कि ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एवरीवन, अगर ये कंजक्शंस यूज्ड एज सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, अगर ये हमारे पास जो है कंजक्शंस अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या होता है, तो पजेसिव केस विल बी अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये नोट करना है कि अगर हमारे पास ये जो कंजक्शन है अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं
तो जो पजेसिव केस यूज किया जाएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए ईच वन ऑफ अस, ईच वन तो यहां इसमें क्या हो गया, ईच वन ये हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले यानी एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है ईच वन, प्रत्येक। ईच वन इज डूइंग हिज ड्यूटी। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का थर्ड पर्सन में ही शी और दे होते हैं, तो दे क्योंकि प्लुरल होता है तो ही और शी सिंगुलर होते हैं, तो उनका पजेसिव जो क्या बनेगा, हिज बनेगा। तो यहां पर आपने यूज करना है हिज यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है वो पजेसिव आपने यूज करना है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो। अगला रूल क्या कहता हमारा, देखिए कहता है कि मैनी, मैनी ए या मैनी एन प्लस सिंगुलर नाउन हो, मैनी ए या मैनी एन के साथ सिंगुलर नाउन है, अगर उसके पास सिंगुलर नाउन प्रयोग की गई है सेंटेंस में किसके रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में मैनी ए प्लस नाउन सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है तो रूल क्या कहता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर एडजेक्टिव, यानी जो सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी यूज किया जाएगा वो सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा, इस चीज का ध्यान आपने रखना है। एग्जाम्पल दे सकते, देखिए मैनी ए सोल्जर, अब देखिए मैनी ए एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है सेंटेंस के रूप में, एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज किया गया है, और उसके बाद सोल्जर क्या है, सिंगुलर नाउन है हमारे पास, तो रूल क्या कहता है कि इसके बाद जो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो क्या होगा, प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो क्या कहता है, मैनी ए सोल्जर हैज मेट हिज, ये देखिए यहां पर हिज क्या है हमारे पास, सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसी का प्रयोग यहां हमने करना है। नेक्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसमें, कि कलेक्टिव नाउन्स, जो हमारे पास कलेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसे पॉइंट आपने ध्यान से देखना है कि कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी है, ज्यूरी है, टीम है, जो भी कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास होती हैं, अगर वो कलेक्टिव नाउन एक सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है तो उसके और क्या होता है इसमें अंदर, एक चीज ध्यान रखना इसमें, अगर वो एक सिंगल यूनिट, ये चीज आपने ध्यान रखना है, अगर वो एक सिंगल यूनिट के रूप में पूरी एक इकाई के रूप में अगर वो काम कर रही है तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, तो सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव इज यूज्ड। फिर सुन लीजिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करते हुए अगर एक इकाई के रूप में, एक सिंगल यूनिट के रूप में अगर काम करती है तो इसके बाद जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा, इसको ध्यान आपने रखना है। और अगर वही हमारे पास कलेक्टिव नाउन अगर वो व्यक्तिगत रूप में या फिर एक इकाई रूप में ना होकर बल्कि विचार भिन्नता के रूप में, अलग अलग के रूप में या विभाजित रूप में अगर प्रयोग की जा रही है तो उसके साथ आपने ध्यान रखना है, उसके साथ आपने एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल ही यूज आपने करना है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने दिमाग में रखने हैं। दोनों के एग्जाम्पल आप देख लीजिए पहले, या देखिए क्या कहता है, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब इसमें देखिए ज्यूरी, ज्यूरी हमारे पास क्या है, ज्यूरी हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है और यहां पर क्या है, हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहां हमने यूज किया गया इट्स जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है ये हमारे पास, क्यों, क्योंकि ज्यूरी यहां पर एक इकाई के रूप में काम करे, जो भी उसने डिसीजन दिया है या जो भी कुछ कहा है वो एकमत होकर एक इकाई के रूप में, तो यहां हमने क्या यूज किया, सिंगुलर हमने प्रोनाउन का यूज किया। अब दूसरा, इफ यूज एज इंडिविजुअल, अगर यही हमारी जो कलेक्टिव नाउन है अगर व्यक्तिगत रूप में या विचार भिन्नता के रूप में अगर प्रयोग की जाती है तो फिर क्या होता है, देन प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब यहां पर क्या हो गया, टीम हालांकि कलेक्टिव नाउन है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है बट यहां क्या है, यहां टीम जो है वो विभाजित है, डिवाइडेड है, विभाजित है, मीन्स एकमत नहीं है, इसलिए यहां पर हमने यूज भी क्या कर दिया, प्लूरल हमने प्रोनाउन का यूज इसमें किया है। ये पॉइंट मैं आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं, वहां सिर्फ संबंध था कि वर्ब से संबंधित था कि वर्ब हमारे पास क्या है, यहां एक बिल्कुल से अच्छी पहचान है, यहां एक हिंट भी है, अगर आप ट्रिक है जो देखना चाहें तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर बात प्रोनाउन की करते हैं तो यहां देख लो,
अगर यहां पर सिंगुलर वर्ब आ रही है तो आपने वर्ब जो एडजेक्ट प्रोनाउन यूज करना वो सिंगुलर करना है। अगर यहां पर आपके पास प्लूरल वर्ब है तो आपने प्रोनाउन भी प्लूरल करना है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है प्रोनाउन को यूज करने की, बिल्कुल आसान है। अगर आप देख लो कि उससे पहले वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, वर्ब अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है ये दोनों पॉइंट को आपको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कहता अगर टू सिंगुलर नाउन्स एडेड बाई एंड 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 हैज आर्टिकल, और ये क्या कहता है इसमें भी आया, कहता है कि अगर आर्टिकल लेता है। अब इस पॉइंट में क्या है थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास नाउन का प्रयोग किया गया सिंगुलर नाउन, और अगर दोनों में से किसी एक के साथ यानी पहले वाले के साथ अगर फर्स्ट जो नाउन के साथ अगर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो आपने क्या करना, उसके साथ आपने प्रोनाउन सिंगुलर प्रयोग करना है। और अगर आर्टिकल दोनों के साथ प्रयोग कर दिया गया, अगर दो नाउन है दोनों के साथ आपने आर्टिकल प्रयोग कर दिया तो फिर आपने प्रोनाउन का प्रयोग आप प्लूरल रूप में करेंगे। यही पॉइंट है इसमें, दोनों के साथ आर्टिकल है तो प्लूरल, एक के साथ यानी फर्स्ट के साथ आर्टिकल है तो इसका मतलब सेंटेंस सिंगुलर है, तो आपने प्रोनाउन भी सिंगुलर आपने यूज करना है। एग्जांपल देख के समझ सकते हैं, देखिए द पोइट एंड पेंटर। देखिए यहां क्या है, दो हमारे पास है, पोइट भी है और पेंटर भी है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक के साथ आर्टिकल यानी फर्स्ट के साथ आर्टिकल है, तो यहां हमने क्या करना है, यहां वर्ब भी सिंगुलर है और उसके बाद हमने मेन चीज ध्यान हमारा प्रोनाउन पे है, तो प्रोनाउन भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर ही हमने यूज करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, द पोइट एंड द पेंटर। अब इसमें फिर वही दो सब्जेक्ट है, दो हमारे पास नाउन है लेकिन उसके बाद एंड से जुड़े हुए हैं, इसके लिए इसके बाद यहां पर भी आर्टिकल है, उसके साथ भी आर्टिकल, दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हमने किया है, तो इसका हमने दोनों के साथ आर्टिकल प्रयोग किया, तो यहां पर वर्ब भी हमारे पास प्लूरल है और सॉरी हमारे पास जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी हम क्या करेंगे, प्लूरल ही हमने यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपल सा है, अगर एक के फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो आपने सिंगुलर यूज करना, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर, और अगर दोनों के साथ आर्टिकल यूज है तो वर्ब भी आपने प्लूरल और प्रोनाउन भी आपने प्लूरल ही यूज करना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इसका पॉइंट और देख लीजिए स्टूडेंट्स, इफ टू सिंगुलर नाउन्स एडेड बाय एंड यूज ईच एंड एवरी बिफोर नाउन। इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि जब दो या दो नाउन्स अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है सेंटेंस में और उनसे पहले ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग आपने कर दिया, ईच या एवरी वर्ड का आपने प्रयोग कर दिया, तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर ही वर्ब आती है, यानी ये तीनों ही आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा नाउन सब्जेक्ट के रूप में हमने सेंटेंस में प्रयोग की है और उन नाउन से पहले ईच या एवरी वर्ड का आपने प्रयोग कर दिया तो उसके बाद वर्ब आएगी तो भी सिंगुलर, प्रोनाउन आएगा तो भी सिंगुलर और एडजेक्टिव आएगा तो भी सिंगुलर ही आपने यूज करना है, यही पॉइंट है। एग्जांपल इसका देख सकते हैं, जैसे कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। अब देखिए यहां पर क्या है, एवरी दोनों में ईच या एवरी लगा सकते हैं और दोनों हमारे पास से दोनों सिंगुलर नाउन भी हैं और दोनों के साथ हमने ईच या एवरी दोनों के साथ लगाया हुआ है, तो यहां पर देखिए वर्ब भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर है और एग्जैक्ट सॉरी हमारे पास जो प्रोनाउन है वो भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर ही प्रयोग किया गया है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा ये लेसन, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।